जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केडीआर, जय बीआरएस, जय नामदेली कॉन्स्टिट्यूएंसी। आज सूरज गार्डन में नामदेली कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमारे केसीआर साहब बोलने से ये एक मीटिंग लगाए कि छह डिवीजनों में आत्मसम्मेलन एक डेढ़ महीने से चल रहा था, वो एक एक डिवीजन में आत्मसम्मेलन करके अपने दिन में जो जो है, जो जो प्रॉब्लम्स है, जो कैडर को जो प्रॉब्लम था वो खुल के बोल के अपने दिन में जो प्रॉब्लम्स पूरे बाहर निकाल के दिल की बात जबान पे लाए, किसी के बीच में मतभेद थे वो भी मतभेद पूरे खत्म करके हम लोग दो महीने से ये आत्मसम्मेलन पार्टी बोले से जब से पूरे डिवीजनों में, इसके बाद पार्टी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब में आज 25 तारीख को आज के दिन पूरे तेलंगाना में 119 एमएलए और कॉन्टेस्टेड एमएलएस हार गए, सो इंचार्ज जो भी इंचार्ज है पूरों को पार्टी डायरेक्शन पे मीटिंग लगाओ बोले, पहले सेक्शन में मीटिंग चालू हुआ। आज के हमारे चीफ गेस्ट थे एमएस प्रभाकर साहब, हमारे दिल्ली के करीब रहते हमेशा, उसी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में बंडी रमेश साहब थे, फिर हमारे कुछ बहुत छाने वाले हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हमेशा हमारे को कभी भी कोई भी फंक्शन को कोई प्रोग्राम को बुलाए तो आते, उन्होंने भी आकर अपना तकरीर दे के गए, उन्हें बहुत बिजी थे उसके बावजूद भी हम अपना टाइम दिए, प्रभाकर साहब और बंडी रमेश साहब भी अब तक नाइस टाइम देकर पूरा मीटिंग को सक्सेस करे। आज छह तीर्मान लगाओ बोले, केडीआर साहब छह सब्जेक्टों में बात करो बोले, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, फिर अपना बीसीओं के ऊपर, एससीओं के ऊपर, माइनॉरिटीओं के ऊपर, एसटीओं के ऊपर, और अपना आईटी डेवलपमेंट के ऊपर, तो तकरीबन क्या हो गया, सुबह दिल्ली चालू करे मगर हमारा मीटिंग 3 बजे तक चला, बहुत से लोगों को मौका नहीं मिला बात करने का, हमारे गेस्ट ऑफ चीफ गेस्ट एमएस प्रभाकर साहब भी कुछ नहीं बात कर सके, तो खाने का टाइम हो गया था, पब्लिक को खाने में परेशानी नहीं होना बोल के हम मीटिंग फिर सेकंड सेक्शन 3:30 से चालू होने वाला है, तो उन सब खाने पे बैस हुए, तो मैं सब हमारे डिवीजन प्रेसिडेंटों को, फिर हमारे कारपोरेटरों को, कॉन्टेस्टेड कारपोरेटरों को, हमारे डिवीजन के पूरे वाइस प्रेसिडेंट हाँ, जनरल सेक्रेटरी हाँ, सीनियर लीडर हाँ, पूरे मिल के एकजुट होके आज कॉन्स्टिट्यूंसी में एकता बताए, एक अच्छा मैसेज दिए, केसीआर साहब क्या क्या करे, केसीआर साहब क्या क्या प्रोग्राम करे, पब्लिक के लिए क्या क्या स्कीम्स लाए, आपको पूरों को बोलने में कि मैं बोलना शुरू कर रहा था 2 घंटे होते तो आप रखने का ये मतलब पार्टी के डायरेक्शन पे आज का मीटिंग लगाए, क्योंकि आज से हम इलेक्शन का डंका बजाकर हमारे को जितने सीट थे उससे ज्यादा सीटें आते बोल के आपको बताने के लिए, हम पार्टी के केसीआर साहब के स्कीम्स पब्लिक में बताने के लिए ये 1-2 महीने से कर रहे हैं, तो आज इसका कंक्लूजन है। अब आज के बाद हम कल से इलेक्शन के लिए चालू होएंगे, और जो पार्टी हमारी पब्लिक को जो जो स्कीम्स बोली है वो स्कीम जो जिसको नहीं मिला उनको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। अभी आप देख रहे हैं आप अपने एजुकेशन में किधर चले गया, आईटी में किधर चले गया, और अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब परसों अपने नामपेली में एक बड़ा हॉस्पिटल ओपनिंग करे, फिर डायलिसिस फ्री लगाए नामपेली हॉस्पिटल में, तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रोड्स है, वाटर है, एजुकेशन है, बस्ती दवाखाने हैं, तकरीबन डेवलपमेंट कर रहे हैं, काफी कई चीजों को कर रहे हैं, आने वाले कुछ और भी प्रोग्राम रहेंगे या फिर और पब्लिक आवाज के लिए क्या रहेंगे? अभी पब्लिक को क्या है, बच्चा पैदा हुए जब से बच्चा बड़ा हुए तक फिर उन्होंने मरे तक जब तक का सब इंतजाम करे से, जैसा आपने देखिए आप एक लेडी प्रेग्नेंट रहा तो उसका हॉस्पिटल का खर्चा 4 महीने के बाद उसके वहाँ से पूरा डिलीवरी का खर्चा, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ तो 13,000, 12,000, बच्ची पैदा हुए तो 13,000, फिर उसको बर्थ तक पहुँचाने का काम, फिर उसको एक न्यूट्रिशन किट दे रहे,
उसको केसीआर किट दे रहे, फिर वो बच्चा बड़ा और बाद उसको स्कूल में तालीम दे रहे, उसको खाने का इंतजाम कर रहे दोपहर का, उसको पढ़ाई दे रहे, उसको बैग्स दे रहे, हर चीज़। फिर वो बच्चा बड़ा हो गया बाद उसको स्कॉलरशिप दे रहे, ओवरसीज के लिए 20-20 लाख रुपये दे रहे। जो बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाह रहा उस काबिल आया तो उसको 20 लाख रुपये दे रहे, वो रिटर्न नहीं देने के ऐसा। अब देख लो रैतु बीमा देख लो, रैतु बंधु देख लो, अब दलिता बंधु देख लो, आप कितने स्कीमा है पार्टी के, कल्याण लक्ष्मी देखो, शादी मुबारक देखो, आप हर चार घर के बाद एक घर को तो 100% एक स्कीम रहता ही रहता गवर्नमेंट का। इसलिए पब्लिक केसीआर साहब की दीवानी है, इसलिए केसीआर साहब को तेलंगाना नहीं पूरे देश का लीडर मान रहे। बात अभी देखो आप कल महाराष्ट्र में कैसी पब्लिक। जो प्रोग्राम कराते हैं बरसों से करते आ रहे हैं, शायद इसी पंक्चर में हुआ था प्रोग्राम, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। जी जी, हमारे मुरली साहब तो सत्कारी बैठी का चपटने तो धन्यवाद చెప్పుదాం। అలాగే ఒక మెమెంటో ని బహుకరిస్తున్నారు గౌరవనీయ పెద్దలు అన్న బండి రమేశన్న గారు, అలాగే గౌరవ పెద్దలు ఎమ్మెల్సీ ప్రభాకర్ రావు గారు, ఇన్ఛార్జ్ వారి ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ గారు కలిసి గౌరవనీయులు మహమూద్ అలీ గారికి మెమెంటోని బహుకరిస్తున్నారు। మళ్ళీ పూరా ఏక్జూట్ హై సబ్ ఏక్ సాల్ జై తెలంగాణ జై కేసీఆర్ జై కేటీఆర్ జై పిఆర్ఎస్ జై పిఆర్ఎస్ धन्यवाद।